सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अपनी कला संस्कृति की मौलिकता को बचाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आपको जिस तरीके से याद यहाँ पर स्थानीय कलाकारों ने, चाहे वो हमारे बबन जी हो, चाहे वो सावित्री हो, चाहे वो गुरु जी हो, चाहे वो मोहन खान जी हो, तो तमाम झारखंडी कलाकार जो भी यहाँ पर पहुंचे उनके प्रति आपको साधुवाद देना होगा। ये लोगों के कारण ये संस्कृति जिंदा है और लगातार हम लोगों को थिरकने के लिए, हम लोगों को नाचने के लिए अपने जोशीले मुंह से, अपने जवान से ऐसे ऐसे गीत प्रस्तुत करते हैं कि झारखंडी नाचने को मजबूर हो जाते हैं, झूमने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसके लिए तमाम कलाकारों के प्रति भी साधुवाद देना चाहता हूँ। और आज यहाँ पर मैंने देखा कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति तो हम लोगों का है ही, लेकिन झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति भी एक हमारा एक यूनिट है और संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है। झारखंड की संस्कृति को ऐसे ही नौजवान मिलकर के बचाएंगे। और आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि झारखंड के एक बहुत बड़े नायक गुरु जी का जन्मदिन भी है, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने भी झारखंड की भर्ती के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और झारखंड की भर्ती से मीडिया के माध्यम से तमाम झारखंड के लोगों को ये संदेश दे रहा है, झारखंड आज की तारीख में अखबार इतना भी सोच रहे होंगे कि वास्तव में झारखंडी जाते हैं, मेरी शहादत जो है बेकार नहीं गई है, भले वो सीमा पर शहादत दिए, लेकिन आज उसकी आत्मा भी सोच रही होगी झारखंड के लोग वास्तव में अपनी संस्कृति को लेकर कितना सजग है। झारखंड के बिल्कुल हृदय श्री अखबार टेक्का चौक पर आज राजधानी कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्रांतिकारी जोहार पेश करना चाहता हूँ झारखंड के क्रांतिकारी नायक जो सिल्ली की गलियों से निकले और सिल्ली की गलियों से गांव से खेत खलिहान से निकलकर आज झारखंड की राजधानी रांची में अलवर के कचौक में इतना बड़ा महोत्सव आयोजन कराया और जीवीके जिसके बैनर तले ये आज झारखंड की राजधानी राजधानी रांची में भी लोगों ने देखा कि किस तरीके से झारखंड के लोग पिछले दो ढाई वर्ष में अपनी कला संस्कृति को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपनी जीवन शैली को लेकर, झारखंड के खेत खलिहान को लेकर, अपने जमीन को लेकर किस तरीके से सजग हुए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, ये संस्कृति को बचाने की एक लड़ाई है, संस्कृति से ही आपका वजूद जिंदा रहता है। और आप लोग ये जानते होंगे कि बार बार हम लोगों पर ये एक एलिगेशन लगाया जाता है, लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं झारखंड की संस्कृति नहीं, जब हम अकाल में नाचते हो, चाहे अपने घर आंगन में नाचते हो, चाहे कर्म में नाचते हो, चाहे हम कुछ में नाचते हो, उस नाच में अगर आप देखेंगे पैरों की खिड़कन को, आप जो हम लोग जोर जोर कर नाचते हैं और हम लोग जो कहते हैं कि जोड़ा जोड़ी जो हम लोग नाचते हैं, वो इस बात का संदेश है, वो इस बात का प्रतीक है कि झारखंड भी सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले लोग होते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं। और जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से एलिगेशन लगाया गया, उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि झारखंड की संस्कृति को, झारखंड की कला को, झारखंड की माटी को आपको अंदर जाकर के समझना होगा और जब तक गहराई में जाकर के इस माटी की पीड़ा को आप लोग नहीं समझेंगे, इस माटी की वेदना को नहीं समझेंगे, तब तक झारखंड को असली तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और अपनी कला संस्कृति की मौलिकता को बचाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आपको जिस तरीके से याद यहाँ पर स्थानीय कलाकारों ने, चाहे वो हमारे बबन जी हो, चाहे वो सावित्री कलाकार जी हो, चाहे वो गुरु जी हो, चाहे वो मोहन खान जी हो, तो तमाम झारखंडी कलाकार जो भी यहाँ पर पहुंचे उनके प्रति आपको साधुवाद देना होगा। ये लोगों के कारण ये संस्कृति जिंदा है और लगातार हम लोगों को थिरकने के लिए, हम लोगों को नाचने के लिए अपने जोशीले मुंह से, अपने जवान से ऐसे ऐसे गीत प्रस्तुत करते हैं कि झारखंडी नाचने को मजबूर हो जाते हैं, झूमने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसके लिए तमाम कलाकारों के प्रति भी साधुवाद देना चाहता हूँ। और आज यहाँ पर मैंने देखा कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति तो हम लोगों का है ही, लेकिन झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति भी एक हमारा एक यूनिट है और संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है। झारखंड की संस्कृति को ऐसे ही नौजवान मिलकर के बचाएंगे। और आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि झारखंड के एक बहुत बड़े नायक गुरु जी का जन्मदिन भी है, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने भी झारखंड की भर्ती के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और झारखंड की भर्ती से मीडिया के माध्यम से तमाम झारखंड के लोगों को ये संदेश देना कि झारखंड
32623 गाँव तक लोग आज झूम रहे हैं, अपनी कला संस्कृति को महत्व दे रहे हैं। यही कारण है कि 264 प्रखंडों में कला संस्कृति को लेकर एक जागरूकता आई है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कला संस्कृति को सिर्फ कला संस्कृति के तौर पर मत देखिए। जब आपकी मौलिकता जिंदा रहेगी, जब आपका जीवन शैली जिंदा रहेगा, तभी आपका खेत खलिहान जिंदा रहेगा। और झारखंड के किसी भी पर्व त्योहार को आप देखिए, या तो वो आपको खेत खलिहान से जुड़ा मिलेगा, वो या तो बेटियों से जुड़ा हुआ मिलेगा, या तो आपको भाइयों से जुड़ा हुआ मिलेगा, या तो आप झारखंड के तमाम अगर हम पर्व त्योहार को देखेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा कि कभी जब हम लोग धान रोपते हैं या फिर हम लोग किसी फसल की शुरुआत करते हैं, इसका मतलब कि हमारी किसी भी पूजा संस्कृति पर्व की जो संस्कृति है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। और इसलिए ये कहा जाता है कि झारखंड के अंदर अगर पत्ते भी हिलते हैं तो ये माना जाता है कि वो प्रकृति नृत्य कर रही है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हो कि अपनी संस्कृति को ताकत को समझिए। देखिए, कमाने के लिए रोटी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, लेकिन सांस लेने के लिए संस्कृति की जरूरत होती है। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अगर आपकी संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी, आपकी आइडेंटिटी जिंदा नहीं रहेगी, आपका पहचान जिंदा नहीं रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके एग्जिस्टेंस पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, आपके अस्तित्व पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और आपने अस्तित्व को अगर बचाए रखना है तो झारखंड की कला संस्कृति को बचाए रखिए। इस मंच के माध्यम से आमंत्रण देना चाहता हूँ कि 24 जनवरी 2024 याद रख लीजिए, हजारीबाग के हवाई अड्डा मैदान में जिस तरीके से बलियापुर के अधिवेशन में हम लोग जुटे थे, उसी तरीके से झारखंडी महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि वहां पर पहुंचिए, वहां भी झारखंडी कला संस्कृति की झलक दिखेगी। और हमारे तमाम संगठन के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो भी पहुंचेंगे और संगठन के झारखंड के तमाम साथी पहुंचने वाले हैं। आप सबको आज आमंत्रण दे रहा हूँ, आप सब हजारीबाग पहुंचे 24 जनवरी को। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद।